खंडवा। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं खंडवा जिले की ओर, जहां से खंडवा जिले के थाना मानधाता क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध कच्ची शराब को जब्त किया है। खंडवा जिले के अंतर्गत आने वाले मानधाता थाना क्षेत्र में नर्मदा किनारे अवैध कच्ची शराब बनाने वाले लोगों द्वारा ग्राम डुकिया झीलार वन क्षेत्र में नर्मदा तट किनारे अवैध रूप से लगाई गई कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब बनाने वालों के खिलाफ मुखबिर की सूचना पर शिकंजा कसते हुए थाना मानधाता पुलिस द्वारा विशेष मुहिम चलाकर कार्यवाही की गई। हालांकि कार्यवाही करते समय अवैध कच्ची शराब बनाने वाले लोगों को भनक लगते ही मौके से फरार हो गए। मुहिम में थाना मानधाता प्रभारी जगदीश पाटीदार ने बताया कि मौके से अवैध शराब के साथ महुआ, लहान व शराब बनाने की सामग्री एवं करीब 1500 लीटर लहान नष्ट किया गया, जिसकी कीमत करीब 40,000 रुपए आंकी गई है। उल्लेखनीय है कि संबंधित विभागों द्वारा समय समय पर कार्यवाही तो की जाती है, पर अवैध शराब कारोबारी हमेशा ही गिरफ्त से दूर होते हैं, यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। खबर समय जगत के लिए खंडवा से कैमरामैन भवानी प्रसाद शर्मा, सिटी रिपोर्टर मनीष भलराय के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।